नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज एबीसी। मैं हूं निखिल और हम लोग क्लास 9 साइंस का वर्क एंड एनर्जी चैप्टर पढ़ रहे थे और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे, साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हाफ एमवी स्क्वायर, उसका भी डेरिवेशन इस वाले पार्ट में हम लोग करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग के चारों ओर हमारे संसार में बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, ठीक है। एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कहीं हीट सोर्स है वहां पे हीट एनर्जी हो गई, कहीं पे केमिकल के थ्रू है, जैसे कि अगर आप देखें बैटरी का जो एग्जांपल, बैटरी से जो इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है वो केमिकल सोर्स का एग्जांपल है, केमिकल एनर्जी का। उसका इलेक्ट्रिक घर में जो इलेक्ट्रिसिटी जो आती है वो इलेक्ट्रिक सोर्स का एग्जांपल है। फिर न्यूक्लियर प्लांट से जो एनर्जी निकलती है हमारे न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन से, तो उसको हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं, और लाइट सोर्स है उसे लाइट एनर्जी कहते हैं। बहुत सारा फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। तो इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में से हम लोग को इस वाले पार्ट में काइनेटिक एनर्जी पढ़ना। तो काइनेटिक एनर्जी भी एनर्जी का ही है, ये टाइप नहीं कर सकते, इसको हम लोग फॉर्म कहते हैं, ठीक है, क्योंकि एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म चेंज होते रहती है। तो इस वाले पार्ट में हम लोग काइनेटिक एनर्जी को बारे में डिटेल समझने वाले हैं। तो थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं एक चीज को कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक अगर हम एक क्रिकेट बॉल के एग्जांपल ले लेते हैं, तो अगर एक क्रिकेट बॉल को अगर हम हल्के से हिट करते हैं किसी जगह पे, एक जगह हिट करते हैं, सामने अगर कोई विकेट रखा हुआ है तो विकेट पर अगर हिट करते हैं, तो हो सकता है अगर बहुत हल्के से हिट किए तो क्या होगा, जो मूव किया बॉल हो सकता है विकेट को उखाड़ भी नहीं पाए, बस उससे हल्का सा टकरा के रह जाए। उसी बॉल को अगर हम लोग थोड़ा सा ज्यादा फास्टली उसको मूव करा दिए, उसको ज्यादा तेज फेंके, ठीक है, उस बॉल को, तो हो सकता है विकेट का बल्ला है वो निकल के ही फेंका जाए, ठीक है। उसका तो अगर और भी ज्यादा स्पीड से अगर उसको फेंकेंगे तो विकेट का बल्ला निकल के फेंकाएगा, साथ साथ बॉल भी काफी दूर तक आगे निकल जाएगी, तो ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज समझ रहे हैं कि कोई भी जो मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसके में एनर्जी होती है। ये तो एनर्जी वाला पार्ट में पिछले वाला पार्ट है उसमें हमने बताया गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा अगर कैपेसिटी है उसमें वर्क करने की, तो एनर्जी का डेफिनेशन ही होता है कैपेसिटी टू डू वर्क, तो उसके द्वारा अगर वर्क डन करने की कैपेसिटी है तो उसमें एनर्जी होगी, ठीक है। तो मूविंग बॉल था, तो यहाँ पे एग्जाम्पल से ये पता चलता है कि अगर सेम बॉल है उसको अगर हल्के स्पीड से फेंकते हैं तो उसमें कम एनर्जी, उसमें और ज्यादा स्पीड से फेंकते हैं और ज्यादा एनर्जी, और ज्यादा स्पीड से फेंकते हैं और ज्यादा, तो मतलब कि जो स्पीड के कारण, उसमें जो स्पीड है उसके कारण एनर्जी उसमें आगे पीछे हो रही है। ज्यादा स्पीड मतलब ज्यादा एनर्जी, कम स्पीड मतलब कि कम एनर्जी। और भी दूसरा अगर एग्जाम्पल है मूविंग बुलेट है, अगर कोई बुलेट है बहुत स्पीड से जो मूव करती है तो उसमें एनर्जी होती है, ठीक है। उसी तरह से विंड ब्लो कर रही है, अगर विंड हल्की हल्की ब्लो कर रही है, ठीक है, तो उसमें एनर्जी कम होगी। अगर वही विंड बहुत फास्ट होगी तो वो तूफान का रूप ले लेगी, स्टॉर्म का रूप ले लेगी, तो वो तो पेड़, बड़े बड़े पेड़ को भी उखाड़ के फेंक देती है, ठीक है। जैसा कि आप सब, जैसे अगर साइक्लोन आ जाता है तो उसमें तो बहुत हाई स्पीड से विंड चलती है, तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी और स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, एनर्जी जो है। जैसे कि विंड है, अगर नॉर्मल विंड चले तो पेड़ को कुछ नहीं होता है, पत्ते हिल के रह जाते हैं, वही अगर स्टॉर्म आने लगता है तो पूरा का पूरा पेड़ ही कबड़ के निकल जाता है, ठीक है। तो ज्यादा स्पीड रही विंड में तो उसमें ज्यादा एनर्जी, क्योंकि वो पेड़ को कबाड़ दिया। कम स्पीड है तो कुछ नहीं होगा, हल्का फुल्का हिला के रख गया। उसी तरह से और भी ज्यादा जो स्टोन का अगर एग्जाम्पल लें, अगर स्टोन को हम लोग कम स्पीड से अगर हम लोग कहीं फेंकते हैं तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, बहुत ज्यादा स्पीड से कहीं फेंक दें तो कोई अच्छा खासा तोड़फोड़ मचा देता है। तो इस सबसे ये समझ में आता है कि ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, अगर ऑब्जेक्ट में स्पीड है तो उसमें एनर्जी होगी, और इसी एनर्जी को हम लोग कहेंगे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इन मोशन प्रोसेसेस एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। अगर हम लोग इसका डेफिनेशन कहीं लिखने के लिए आ जाए तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग डिफाइन करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन के कारण उसमें जो एनर्जी होगी उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर उसके मोशन के कारण अगर एनर्जी होती है तो उसमें उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। अगर डिफिनेशन में कहें तो काइनेटिक एनर्जी इज ए एनर्जी प्रोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। ओके, तो ये इसका डिफिनेशन हो गया। अगर कहीं आए डिफिनेशन लिखने के लिए तो हम लोग ये डिफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने तो अभी बहुत सारे एग्जाम्पल बता दिया, फिर भी आप एग्जाम्पल के लिए देख लें, एक फॉलिंग कोकोनट, अगर कोकोनट एक पेड़ से गिरता है तो उसमें मोशन होगा, उसमें स्पीड होगी, तो उसके कारण उसमें एनर्जी होगी। स्पीडिंग कार, अगर कार बहुत स्पीड में चल रही है तो उसमें एनर्जी होगा, अगर कम स्पीड में चल रही है तो भी एनर्जी होगी, ऐसा बात नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर किसी में मोशन है, किसी ऑब्जेक्ट में अगर मोशन है तो उसमें एनर्जी होगी, क्योंकि अगर
कैसे हम लोग कह सकते हैं कि उसमें एनर्जी होगी, कि अगर वो मान लीजिए कि मूविंग कार है, अगर वो किसी चीज में टकराती है तो सामने की चीज को तोड़फोड़ मचा देगी, मतलब कि वर्क डन हुआ। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा अगर वर्क डन हो रहा है तो उसमें एनर्जी होती है, एनर्जी का डेफिनेशन है। तो कार के द्वारा यहां पे वर्क डन हुआ तो कार में एनर्जी थी, और वो एनर्जी कहां से आ रही है, ड्यू टू इट्स मोशन। ठीक है, तो यहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसमें एनर्जी होगी, और उस फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम लोग कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो कहीं पे भी कहा जाए कि इस ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो ड्यू टू इट्स मोशन, मोशन के द्वारा उसमें जो काइनेटिक, उसमें जो एनर्जी है उसको हम लोग कहेंगे, उसमें जो एनर्जी है उसको हम लोग कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। मान लेते हैं कि अब इसको दूसरे तरह से एग्जांपल से समझते हैं, एक आयरन बॉल है, ठीक है, वो हीटेड है, मान लीजिए कि आयरन बॉल है वो 500 डिग्री सेल्सियस तक हीटेड है, ठीक है, और वो मूविंग कर रहा है, तो हीट जो है उसकी एनर्जी को हम यहाँ पे काउंट नहीं करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे मोशन के कारण अगर जो उसमें एनर्जी होती है उसको हम लोग सिर्फ कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। उसमें हीट के कारण जो एनर्जी है उसको हीट एनर्जी कह सकते हैं, लेकिन उस जो हीटिंग के कारण जो एनर्जी है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी में काउंट नहीं करेंगे। सिर्फ मोशन के कारण जो उसमें वर्क डन अगर उस ऑब्जेक्ट के द्वारा होता है तो उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। और एग्जांपल का अगर बात करें तो रोलिंग स्टोन भी एग्जांपल हो जाता है काइनेटिक एनर्जी का, फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, अगर एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रही है तो वो भी एग्जांपल है। मतलब कि कहने का मतलब है किसी भी चीज में अगर मोशन हो रही है तो उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। फ्लोइंग वाटर है उसमें भी काइनेटिक एनर्जी है, ब्लोइंग विंड है उसमें भी एनर्जी है, ब्लोइंग विंड है तभी तो हम लोग विंड मिल लगा देते हैं और आराम से उससे विंड पंखी घूमती है और इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है। तो जो विंड की एनर्जी है वो ट्रांसफर हो जाती, फॉर्म चेंज हो गया, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी में बदल लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है विंड मिल में इलेक्ट्रिक फॉर्म में, उसको फिर हम लोग यूज कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। रनिंग एथलीट, अगर कोई धावक दौड़ रहा है तो उसमें भी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल हो जाते हैं काइनेटिक एनर्जी में। मतलब कहने का मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर मोशन है, ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा। अब एक और फैक्ट है इसमें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विथ हिज स्पीड। ठीक है, तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते चलेंगे किसी ऑब्जेक्ट में तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ते चलेगी। ठीक है, अब हम लोग इक्वेशन निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी का, फॉर्मूला क्या होता है इसको हम लोग डिराइव करेंगे। ओके, एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा जो बास्केटबॉल है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, इसका मास m है, कुछ तो मास होगा, उसको हम मास m मान के चल रहे हैं। ओके, ये मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी u से। ठीक है, जैसे ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी u से मूव किया, और इसके बाद इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब कि इनिशियल पोजीशन से जो फाइनल पोजीशन पे ये पहुंचा, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो s हो गया। ठीक है, s से मानेंगे इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआत में जो स्पीड था उसका वेलोसिटी u था। ठीक है, अब कांस्टेंट फोर्स, जो फोर्स एक्ट हो रहा है इसमें, जो फोर्स लगा होगा तभी तो मूव किया, जो फोर्स लगा होगा जिसके कारण इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको हम f मान लेंगे। तो फोर्स जो लगा f हो गया, इनिशियल वेलोसिटी v मान लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट जो हुआ उसको हम लोग s मान लेते हैं, और जो मास है उसका m मान लेते हैं। तो ये सारा चीज हमें मिला होना चाहिए, ये सारा चीज हमारे पास जानकारी होनी चाहिए, तो भी हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट की। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग वर्क डन वाला फॉर्मूला याद करो आप। वर्क डन क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसमें फोर्स भी लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो यहाँ पे वर्क डन हो रहा है, तो जो वर्क डन हो रहा है वही उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, जिसको हम लोग एफ एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, अब जब वर्क डन हो रहा है तो इसी के कारण तो इसमें वेलोसिटी आई। ठीक है, जिसके इनिशियल वेलोसिटी यू था और फाइनल वेलोसिटी वी हो गया। ठीक है, अब जब फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी होगा, तो ए भी लेके हम लोग चल लेते हैं। ठीक है, ए एक्सेलरेशन को लेके चलते हैं। ओके, अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से याद करो आप, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वाला नहीं देखोगे तो उसका डेरिवेशन और पूरा डिस्क्राइब मैंने किया हुआ पिछले थर्ड फोर्थ चैप्टर में, तो वहां से आप जाके देख सकते हो। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, इसी को फॉर्म में अगर हम लोग 2a को नीचे भेज दें, यहाँ पे नीचे, तो इसी को मैंने इसी फॉर्म पे लिखा है, इसी फॉर्मूले को इस फॉर्म पे, s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, तो यहाँ पे इस फॉर्म पे लिखा है। तो हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं, वर्क डन जो हो रहा है ऑब्जेक्ट के द्वारा, जो मूवमेंट के कारण ऑब्जेक्ट में मूवमेंट हुआ उसमें जो वर्क डन हुआ, मतलब हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा वर्क डन के हिसाब से। अब फोर्स के फॉर्मूला को मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, और एस जो है, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट कहां से लेके आएंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a से लेके आएंगे।
ठीक है, इस वाले फॉर्मूला से लेके आएंगे, क्योंकि इसमें जो चीज है, जो इसमें जो क्वांटिटी आ रही है, वो सारी क्वांटिटी मेरे पास है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सब मेरे पास है, ठीक है। तो एस वाला वैल्यू निकल गया और एफ का वैल्यू सो मास इंटू एक्सेलरेशन से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। फोर्स का वैल्यू जो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s से हम लोग निकाल लिए एस का वैल्यू, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू। अब वर्क डन वाला फॉर्मूला में दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे, फोर्स के जगह पे एम ए, यहाँ पे जो एम ए है ये वाला पोर्शन, ये फोर्स है जिसको फोर्स पुट किए, ओके। और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला हम लोग जो अभी इक्वेशन से लेके आए थे, एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर पॉइंट टू है, इसी फॉर्मूला को से लेके आए थे, तो इसको हम लोग यहाँ पे एस वाला वैल्यू पुट कर दिए, ठीक है। दोनों वही चीज है, एकदम सिंपल है, वर्क डन का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन, और एस जो निकले थर्ड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला से निकाल दिए। अब बस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हाफ जो टू है जो बाहर वन बाई टू हो गया, ए से ए यहाँ पे कट जाएगा, और एम का एम लिखे और ब्रैकेट में वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ये वाला मेरा मेन फॉर्मूला आ गया, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझिए, ये तो मेन फॉर्मूला आ गया कि अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है बीच में तो उसका निकालने के लिए, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी भी हो, फाइनल वेलोसिटी भी हो, मास दिया हुआ है, तो इससे हम लोग वर्क डन निकाल सकते हैं, ओके। लेकिन अगर एक चीज इमेजिन कीजिए, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि शुरुआत में तो उसकी वेलोसिटी नहीं थी, उसने फोर्स लगाया, उसमें मोशन हुआ, उसकी फाइनल वेलोसिटी तो कुछ होगी, ठीक है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी कुछ नहीं होगी, जीरो होगी। तो अगर हम लोग रेस्ट से, रेस्टेशनरी पोजीशन से अगर ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो यू का वैल्यू तो जीरो हो जाएगा। अब जैसे ही यू का वैल्यू इसमें जीरो पुट करेंगे, तो हाफ एम वी स्क्वायर बचेगा, ये पोर्शन ही पूरा खत्म हो जाएगा, जीरो, तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो यही तो आ गया फॉर्मूला, डब्ल्यू इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और जो वर्क डन हो रहा है ऑब्जेक्ट के द्वारा, तो वही तो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, तो के ई और के, ई के से लिखे मतलब एनर्जी ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे, तो के ई लिखो, के डॉट ई लिख दो, ई के लिख दो, इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो मन करे कर सकते हो आप। इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, बहुत फेमस फॉर्मूला है, इसका उपयोग बहुत ज्यादा होने वाला है फिजिक्स में, तो इसको अच्छे से याद रखना है। तो काइनेटिक एनर्जी पोसेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी इज, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास एम है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है, तो उसमें कितनी एनर्जी होगी, तो हाफ एम वी स्क्वायर। तो जैसे आप बोले ना शुरुआत में, जैसे सारा एग्जाम्पल ली कि मूविंग क्रिकेट बॉल है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो सब में एनर्जी होती है, तो भैया कितनी एनर्जी होती है, कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने का फॉर्मूला यही हो जाता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो उसमें कुछ तो कुछ मास होगी, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसमें कुछ तो मास होगी उसकी, यहाँ पे ध्यान रखिए वेट की बात नहीं हो रही है, मास की बात हो रही है, तो कुछ तो उसका मास होगा ऑब्जेक्ट का, आप खुद मूव कर रहे हैं, आप खुद दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो आपका भी तो मास होगा, तो आपका मास हो गया, और आपकी वेलोसिटी का जो भी होगी उसका स्क्वायर कर देंगे, उससे अगर हाफ एम वी स्क्वायर में पुट करेंगे फॉर्मूला, मास को और वेलोसिटी को फॉर्मूला पुट करेंगे, तो आपके द्वारा जो मूविंग, मूव होने के कारण जो एनर्जी निकल रही है वो निकल जाएगी, वही होती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। बहुत सिंपल है, करना कुछ नहीं था, इसके डेरिवेशन को याद रखने के लिए बस यही दिमाग लगाना है, यहाँ पे आप समझ लीजिए बेसिक है, कि वर्क डन वाला फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे, तो वर्क डन वाला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का जो एफ का वैल्यू, एफ इजिकल टू एम ए यहां से लाके पुट कर दिए, और एस का जो वैल्यू है थर्ड लॉ ऑफ मोशन का जो फॉर्मूला होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू टू एस, इससे लाके एस का वैल्यू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए, ये लाके पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये जैसे ही हम लोग पुट करेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होती है किसी ऑब्जेक्ट की, मान के चलेंगे ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो ये डेरिवेशन अगर एग्जाम में पूछता भी है, तो तरीका मैंने बता दिया कैसे इसको याद रखना है, ठीक है, एक दो बार प्रैक्टिस करने पे याद हो जाएगा। और इस फॉर्मूला को तो आप एकदम जवान पे रखिए, क्योंकि इसका उपयोग बहुत ज्यादा होने वाला है, हाफ एमवी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी इसका, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बना लेते हैं इसी पे, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, मास इज इक्वल टू 15 kg, ऑब्जेक्ट है जिसके मास 15 kg, ओके। एक बात, मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कितना है उसका वेलोसिटी, 4 m/s, ठीक है, उसकी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है 4 m/s, ओके। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पोसेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, तो सिंपल सा ऑब्जेक्ट है जिसकी मास 15 kg है, और ये जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो 4 m/s की स्पीड से ये मूव कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा,
सिंपल सा है, मास लिखेंगे m इज इक्वल टू 15 kg, उसी तरह से वेलोसिटी लिखेंगे v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड, मास लिख दिए, वेलोसिटी लिख दिए, फॉर्मूला में सीधे पुट करेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, सॉल्व करेंगे 120 जूल, एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल। तो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, कितनी भी तरह की एनर्जी हो, कैसी भी एनर्जी हो, सबका यूनिट जूल 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 लिखते चलेंगे, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। फॉर्म, एनर्जी का फॉर्म चेंज होता है, एनर्जी तो एनर्जी रहती है ना, एनर्जी थोड़ी चेंज होने वाली, तो एनर्जी कहीं भी आएगी, किसी भी फॉर्म की एनर्जी हो, ठीक है, उसका जो हीट का भी एनर्जी, अगर कहीं हीट सोर्स है उसका जो एनर्जी आ रही है उसको भी हम लोग जूल में नापेंगे, काइनेटिक एनर्जी उसको भी जूल में नापेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इसका अगला पार्ट आएगा उसको भी हम लोग जूल में नापेंगे, किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो उसको हम लोग जूल में नापते हैं। ओके, ये इसका ऐसा यूनिट है, तो सीधे जूल लिख देना। अगर ऐसा यूनिट में और अगर इसमें दिमाग लगा के आप लोग लिखना चाहें तो इसके बाद आप फिर लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, तो उसका यूनिट लेके लिख सकते हैं, तो उतना लिखने की जरूरत नहीं, सीधे एनर्जी है, डायरेक्ट जूल लिखिए, काम खत्म। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, 15 या 4 इंटू 4 हो जाएगा, तो 4 से कटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2, तो 4 इंटू 2 हो जाएगा 8, 8 इंटू 15 हो जाएगा 120, तो 120 जूल यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलें, मिलते हैं अगले वीडियो।